हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर। मेरे यहाँ आज ये अरहर की दाल बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल सांभर में कर लिया जाए। इसके लिए आप अरहर की दाल को एक प्रेशर कुकर में सिंपल नमक और हल्दी डालकर कुक कर लीजिएगा। बस आपकी दाल तैयार हो जाएगी। तो चलिए इधर हम सब्जियों को फ्राई करने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें 1 चम्मच भर कर हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हाई फ्लेम पर तेल के होने तक वेट करेंगे। यहाँ पर लो फ्लेम कर कर थोड़ी सी हींग इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून राई डालेंगे। 10-15 करी के पत्ते तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा, इसमें सांभर में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हम 3-4 लाल मिर्च और हमने यहाँ पे हरी मिर्च भी काट के डाली है। आप अपने हिसाब से मिर्च ज़्यादा और कम कर सकते हैं। हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको कि हमने पतला और लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है। इसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, वरना सांभर में कड़वापन आ जाता है। बस इसमें कलर चेंज होने तक इसको हम लोग फ्राई करेंगे। हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 टमाटर का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। लीजिए, अब हमारे टमाटर भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बैंगन और ये लौकी ली हुई है, आपके पास जो भी आप पास सब्जी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। सांभर में ड्रम स्टिक भी बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे सांभर में कलर काफ़ी अच्छा आता है। और 2 टेबल स्पून सांभर मसाला डालेंगे, ये मैं बाज़ार का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब मसालों को सब्जियों के साथ 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें पानी डालकर सब्जियों के गलने तक इसको हम कुक करेंगे। यहाँ पर फ्लेम हमको लो टू मीडियम ही रखनी है। सब्जियों को दाल के साथ कुक करने से सब्जियाँ ओवर कुक हो जाती हैं, जो कि टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें हम लोग इमली का पल्प डालेंगे, इसको हम लास्ट में ही डालेंगे, जिससे कि सब्जियां अच्छे से कुक हो जाए। अब जो हमारी अरहर की दाल बन चुकी है उसको इसमें ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब लास्ट में हम इसको हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। अब आप यहाँ पर पानी और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और एक बॉयल आने तक इसको हम लोग कुक कर लेंगे। लीजिए, अब इसमें एक बॉयल आ चुका है, अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा गरम गरम सांभर तैयार है। इसको आप लोग इडली, डोसा या अपने मनपसंद चीज़ के साथ इंजॉय करिए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।